अस्सलामुअलैकुम, आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का जो लेक्चर है प्रोटीन जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, प्रोटीन के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रोटीन जो है वो एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल होते हैं, मेड अप ऑफ वेरिएबल नंबर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड दे आर आल्सो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। तो ये आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के मोनोमर्स होते हैं, यानी कि जितने भी प्रोटीन हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। तो ये लास्ट लेक्चर में आप लोगों को डिटेल में समझाया था। आज हम लोगों ने पढ़ना है कि जो प्रोटीन है, जिसके बारे में हमारा जो टॉपिक है प्रोटीन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स कितने हैं और किस किस फॉर्म में ये पाए जाते हैं, तो ये डिटेल में आज पढ़ेंगे। इसके चार स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है इसमें चार स्ट्रक्चर हैं, चारों जो हैं अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। अमाइनो एसिड, हमने कहा कि अमाइनो एसिड जो हैं वो सिर्फ 20 टाइप्स के हैं, अमाइनो एसिड के टोटल टाइप्स हैं 20, और यानी कि हैं तो काफ़ी सारे, मोर देन 3000 हैं, लेकिन जो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड हैं वो सिर्फ प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। उनको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहते हैं जो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो अमाइनो एसिड जो होते हैं कि अब 20 टाइप्स के प्रोटीन हैं और जो है अगर आप देखें तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन एक बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। तो अब इतनी ज़्यादा प्रोटीन को 20 तरह के अमाइनो एसिड कैसे बनाते हैं, तो यही चीज़ हम लोगों ने आज डिटेल में पढ़नी है कि जो 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड हैं ये मुख्तलिफ अरेंजमेंट के साथ एक दूसरे से जुड़ते हैं, और ये जो मुख्तलिफ अरेंजमेंट मुख्तलिफ शेप से एक दूसरे से मिलते हैं, मिलकर जुड़ते हैं, तो ये मुख्तलिफ टाइप्स के प्रोटीन्स बनाते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें अमाइनो एसिड का लीनियर सीक्वेंस होता है, एक लाइन में सारे अमाइनो एसिड एक लाइन में जुड़े हुए थे, जैसे मैंने ये स्पोज ब्लॉक्स बनाए हुए हैं छोटे छोटे, ये जो ब्लॉक्स हैं इन ब्लॉक्स को अगर आप सपोज करें कि ये अमाइनो एसिड है, कि ये जो एक ब्लॉक है इसको आप सपोज करो कि ये क्या है, एक अमाइनो एसिड है, तो अगर इस तरह अमाइनो एसिड लाइन में कतार में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो ये कौन से प्रोटीन कहलाएगी, प्राइमरी प्रोटीन। अब अमाइनो एसिड हम लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि दो अमाइनो एसिड जिस बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें जस्ट पेप्टाइड बॉन्ड होता है और कोई बॉन्ड भी नहीं पाया जाता, दो अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड के साथ अमाइनो एसिड अगर एक लाइन में जोड़ें तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है प्राइमरी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेकेंडरी। अगर अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ कॉइल फॉर्म में आ जाए, यही प्राइमरी स्ट्रक्चर कॉइलिंग शक्ल में आ जाए, इस कॉइल फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, यानी कि कॉइल फॉर्म ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर की ही कॉइलिंग से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बने। अब क्योंकि ये भी अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए प्राइमरी स्ट्रक्चर है, तो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड है वो तो है पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें एक और बॉन्ड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक तो वीक बॉन्ड होता है, और दूसरा ये क्या है कि ये जो जब कॉइलिंग होती है तो दो अमाइनो एसिड को अंदर, एक अमाइनो एसिड आपस में तो जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड, लेकिन इस कॉइल का अमाइनो एसिड और इसका अमाइनो एसिड आपस में कॉइलिंग के बाद जिस बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे ये बॉन्ड कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। मीन्स कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फंक्शन क्या है कि ये कॉइलिंग को बरकरार रखते हैं, जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो वो पूरी चेन दोबारा प्राइमरी फॉर्म में आ जाएगी। थर्ड वन है टर्शरी स्ट्रक्चर। कम्प्लेक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल गिव राइज टू टर्शरी स्ट्रक्चर। जो कम्प्लेक्स सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये मजीद इसकी सुपर कॉइलिंग होती है, इसकी बेंडिंग फोल्डिंग होती है, तो उस बेंडिंग फोल्डिंग के नतीजे से जो है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो सुपर कॉइल होके टर्शरी स्ट्रक्चर बना देता है। अब जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ये ग्लोब की शक्ल में भी होता है और इरेगुलर भी होते हैं, और इसकी एग्जांपल है मायोग्लोबिन। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि एसोसिएशन ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में जुड़ती हैं तो ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनाती हैं, या एग्रीगेशन ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन इज नोन एज क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। अगर हम इस तरह देखें कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाली भी कॉइल्स हो सकती हैं, ये प्राइमरी वाली भी, तो इस तरह जब काफ़ी सारी चेन्स आपस में जुड़ के एक स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कहलाएगा क्वार्टनरी स्ट्रक्चर।
और हर चेन कहलाएगी सब यूनिट। और इसकी एग्जांपल है हीमोग्लोबिन।